हेलो दोस्तों, सिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज मार्केट का कैसे मूवमेंट रहा और हमने जो लेवल दिया था, जो हमने कल का प्लानिंग किया था कल बैठ के, उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस रहा वो बात करेंगे। ऑप्शन में जो ट्रेड हमने कैरी किया हुआ था, 17,500 का कॉल जो हमने कैरी किया था और बैंक निफ्टी के लिए 38,000 का जो कॉल कैरी किया था, उसका हमने क्या किया, कब प्रॉफिट बुक किया, वो पूरी प्लानिंग अभी बात करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जब अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, यहाँ पे 12-11 तारीख को आज अभी मार्केट का क्लोजिंग आ चुका है, तो कल सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो कल के लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, मार्केट में बाइंग रेंज या तो सेलिंग रेंज क्या रहने वाला है, क्या डिसीजन लेना है, वो चीज हम पूरी बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी देखो, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम मार्केट को एनालिसिस करना चाहते हैं तो देखो, जो मार्केट आपको दिख रहा था, ये रेड कैंडल बन रहा है, ये ग्रीन बन रहा है, ये सबको ऐसे ही दिखता है मार्केट में। यहाँ पे आप अगर और 10 12 50 इंडिकेटर भी लगा देंगे तो जो इंडिकेटर आप लगाओगे वो बाकी सब लोग लगा सकते हैं मार्केट में। आपको अगर मार्केट में प्रॉफिट बनाना है, जो 10% 5% लोग मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं उनके हिसाब से, उनकी तरह से आपको अगर मार्केट को सोचना है तो पहले मार्केट को प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा। जब तक मार्केट को रीड नहीं कर सकते तब तक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज उसे अंडरस्टैंड करना। देखो होता क्या है कि जैसे हमने 10 तारीख को मार्केट यहाँ पे ओपन क्लोज हुआ था, तो आज 11 तारीख को मार्केट में कब क्या ट्रेड लेना है उसका रेंज आपको एक दिन पहले ही मैंने आपको दिया था, जो आप देख सकते हो। सपोज दैट कल का वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, कौन से रेंज में मार्केट मिलेगा तो ट्रेड करना है। लेकिन आज हुआ क्या, देखो जो हमने रेंज दिया था वहां से वो रेंज में मार्केट आया ही नहीं, वहां से सीधा मार्केट गैप अप कर गया। निफ्टी के लिए भी मार्केट ने गैप अप किया, बैंक निफ्टी के लिए भी गैप अप किया, इसलिए हमने वो पोजीशन कैरी किया था कॉल का, तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मेन चीज क्या कि जब सुबह मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, उसके बाद अगर आप इंट्राडे काम करना चाहते हो तो ये गैप अप का मार्केट का मूवमेंट देखिए, बाकी सब आप ग्लोबल न्यूज देखेंगे, हर चीज देखेंगे, आप बिजनेस चैनल देखेंगे, तो उसमें क्या लगता है कि बस मार्केट तो वन साइड ऊपर ही है, बाकी सब लोग मार्केट बोल रहे कि बहुत अच्छा है, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, हमें लगता है कि भाई अभी खरीदना ही खरीदना है, और वही चीज देख के हम खरीदने की यहाँ पे कोशिश करते हैं और फिर पूरा दिन मार्केट नीचे आता है, तो हमें अंदर से एक फीलिंग आता है कि अरे मैंने तो सब कुछ सही किया था, जितने भी इंडिकेटर लगाए थे हर इंडिकेटर बाई ही बोल रहा था, उसके बावजूद लॉस क्यों हुआ। क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से अगर गैप अप हो गया है तो दो चीज होता है, या तो ये जो गैप बना हुआ है मार्केट में, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट पुल बैक करेगा और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, या तो यहाँ पे ओपन हुआ है थोड़ा भी पुल बैक नहीं होगा, सीधा यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो एग्जैक्टली आज क्या होने वाला है, जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ सुबह 9:15 9:30 हम जब देख रहे थे, तब ये ऐसा मार्केट नीचे आएगा, या तो जैसे बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस क्या है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बैंक निफ्टी खरीदना है कंपेयर टू निफ्टी, तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन से मूवमेंट, किसमें अच्छा मूवमेंट आने वाला है और किसमें मार्केट में पुल बैक होगा या तो कंसोलिडेशन होगा। तो ये पता करने के लिए ही हमने हाई ब्रेक का कंडीशन बना के रखा हुआ है, और जब मार्केट गैप डाउन करता है तो लो ब्रेक का कंडीशन बना हुआ है। डिटेल में ट्रेनिंग में हम एक्सप्लेन करते ही है, अभी थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि देखो क्या होता है जब मार्केट ओपन हो गया, तो पहला 15 मिनट कुछ नहीं करना होता है, वेट करेंगे यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट को देखेंगे, अगर मार्केट अपना जो रेंज हमने एक दिन पहले बना के रखा था वही रेंज में मार्केट यहाँ से अगर फिसल जाता है वापिस आ जाता है तो वहां पे खरीदेंगे, बाई करना, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आता नहीं मार्केट, इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो वापिस वहां पे आने का चांसेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसके आगे जब ये 15 मिनट का कैंडल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आगे करना क्या है, कब ट्रेड लेना है, तो उसके लिए हाई ब्रेक का कंडीशन दिया हुआ है, और इसके लिए 15-15 मिनट का पहला आधे घंटे का मूवमेंट छोड़ देंगे। उसके बाद पहला दो कैंडल छोड़ने के बाद मार्केट अगर एक बार हायर आए ऐसा दो बार अगर बनाता है सपोज दैट, तो इसका मतलब है कि मार्केट पुल बैक नहीं करेगा। ये दो कैंडल बनने के बाद पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, पुल बैक नहीं करेगा, थोड़ा बहुत नीचे भी आए तो खरीदने का मौका है, ऊपर जाएगा। और वही चीज अगर निफ्टी में देखेंगे आप, देखो ओपन हुआ पहला दो कैंडल छूट गए, अभी पहले दो कैंडल मिलके जो भी हाई था
वो हाई मार्केट ने दिन भर ब्रेक नहीं किया और एक बार ब्रेक करके नहीं चलेगा। कभी कभी एक ट्रैप आता है मार्केट, ऐसा एक बार हाई ब्रेक करता है और वही कैंडल नीचे आ जाता है, इसलिए हमने डबल कैंडल कंफर्मेशन बोला है कि जो भी पहला कैंडल का आधे घंटे का हाई बना है वो मार्केट ने दो बार, मार्केट ने 15-15 मिनट के कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए अपर साइड, तो ही मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अदरवाइज गैप अप होने के बाद पहले अगर आपने पोजीशन कैरी किया हुआ है तो उसमें प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद मार्केट पुल बैक करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम आपको मार्केट को यूज कर सकते हैं। इतना भी सिंपल सा रूल पता करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा मार्केट में काम करने के लिए। लेकिन ये चीज आपको हाई ब्रेक लो ब्रेक तभी यूज करना है जो लेवल मैं शेयर करता हूँ, सपोज अपने सिस्टम पे जो लेवल जनरेट होता है, अगर ये बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो ही हाई ब्रेक का कंडीशन अप्लाई करेंगे, और ये सेलिंग रेंज के नीचे मार्केट ओपन हुआ तो ही लो ब्रेक का कंडीशन अप्लाई करेंगे। बीच में कहीं पे भी ओपन हो जाए, या तो मार्केट अपने बाइंग रेंज में ही खुला है और वहां से फिर ऊपर जा रहा है तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं करना होता है, ये प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना होता है। तो आज एक्सप्लेन करने का रीजन ये था कि बैंक निफ्टी में वो कंडीशन हुआ तो देखो बैंक निफ्टी कुछ ना कुछ ऊपर मूव किया हुआ है, 100-150-200 पॉइंट मार्केट ने अच्छे से मूवमेंट किया, वहां पे निफ्टी जैसा पुल बैक नहीं हुआ है। तो वो दोनों का डिफरेंस रीजन यही था कि अगर मार्केट निफ्टी में भी अगर हाई ब्रेक का कंडीशन आ जाता हो पहले आधे घंटे के बाद तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज हम वेट करेंगे, हम अपना पुल बैक पॉइंट का वेट करेंगे, वहां पे आएगा तो खरीदेंगे, मतलब फिर आपको समझ में आता है ट्रेड कब लेना या तो फिर नो ट्रेड हो जाएगा। कभी कभी ये पता करना भी बहुत जरूरी रहता है कि मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि लॉस होके मार्केट में ट्रेड करके लॉस हुआ 2-3 हजार 4 हजार, उससे तो ट्रेड ही नहीं किया तो 2-3 हजार तो बच गया। तो कभी कभी मार्केट में वो अप्रोच भी इंपॉर्टेंट चीज रहता है, जैसे हमने कल देखा होगा, देखो यहाँ पे मार्केट गिर रहा था तो हम बोल रहे थे यही रेंज पे खरीदना है, वही एग्जैक्टली आप अगर परसों का रिकॉर्डिंग देखेंगे मेरा, सपोज दैट जब 8 तारीख को 9 तारीख को मैंने जो अपलोड किया होगा 10 तारीख को क्या करना है उसका, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली ये बाइंग जोन था हमारा, 400 के नियर अबाउट हम खरीद रहे थे और वहां से मार्केट आज ऊपर गया तो लगभग 300-350 पॉइंट आपको मार्केट में प्रॉफिट चल रहा है। तो ये रैली कवर करने को मिलता है, लेकिन हमारा होता क्या है कि कब ट्रेड करना वो समझ में नहीं आता है, तो टाइम कैसे करना है मार्केट को वो चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी रहता है, और वही चीज हम करते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे जो हमने काम किया था आपको मैं बता देता हूँ कि जो लेवल हमने दिया था सपोज उसके अकॉर्डिंग मार्केट में ये रेंज था अपना 11 तारीख के लिए, जो आपको मैंने रिकॉर्डिंग में वीडियो में भी कल का रिकॉर्डिंग में शेयर किया था कि ये रेंज में खुलता है तो बाय सेल करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे इसके नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड रहेगा, लेकिन मार्केट ओपन ही डायरेक्टली 700 के ऊपर हुआ तो इसका मतलब अपने रेंज के बाहर मार्केट ओपन हुआ, तो हम क्या करेंगे हाई ब्रेक का वेट करेंगे। अगर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है मार्केट में तो वेट करेंगे, मार्केट नीचे आएगा पुल बैक करेगा, पुल बैक पॉइंट को बाय करेंगे या तो फिर मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, ये प्रोसेस हम मार्केट में फॉलो करते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में हाई ब्रेक हो चुका था तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे लाइव मार्केट में ये चीज अपडेट किया था, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक का कंडीशन कंप्लीट हुआ तो मैंने बोला कि अभी बैंक निफ्टी का ये बाइंग रेंज है इसमें करो, सुबह जो बोल रहे थे वो बहुत नीचे मार्केट गैप अप कर गया, हाई ब्रेक कर दिया, तो आपको लेटेस्ट उसके बाद क्या होगा वो देखना है, तो आपको नियर अबाउट ये रेंज में हमें खरीदना था 864-889 की नियर अबाउट हमें मार्केट को खरीदना था 885 के बीच में, मतलब 850 और 800-900 के बीच में कहीं तो भी मार्केट में बैंक निफ्टी में खरीदना है सपोज दैट, और 728 जाएगा तो ही डाउन ट्रेंड आएगा, ये हमने बात किया था क्योंकि हाई ब्रेक कंडीशन अकर इन बैंक निफ्टी, ये मैंने बोला था। तो इसका रीजन ये था कि इसकी वजह से देखो अगर आप 800-850 को खरीदेंगे, मतलब जब मार्केट यहाँ से पुल बैक भी कर रहा है तो 830 का लो क्या हुआ है, तो ये पूरा बाइंग जोन बन गया मार्केट का, तो आपको इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग करना है, ये करेंगे तो कन्विक्शन आता है ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज मार्केट में ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल तो हर किसी को दिख रहा है, लेकिन कब कन्विक्शन आएगा, जब कन्विक्शन को आपको मार्केट का प्रॉपर रीड कर सकते हो चार्ट को, ये ग्रीन कैंडल बना और ये रेड कैंडल बना, ये मार्केट में जितने लोग ये चार्ट ओपन कर रहे हैं हर किसी को दिख रहा है, आप जो 20-50 कोई भी मूविंग एवरेज लगा रहे हो और कुछ इंडिकेटर लगा रहे हो, ये हर किसी के पास है, उससे अगर पैसा बन जाता तो हर बंदा मार्केट में प्रॉफिट कमा लेगा। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो कहां तक गिरेगा, कौन से रेंज है जहां पे मार्केट में बाइंग जनरेट होगा, ये लेवल का अंडरस्टैंडिंग अगर आप करेंगे तो फिर आपको वो कन्विक्शन मिलेगा कि यहाँ पे खरीदना है और फिर मार्केट ऊपर जाता है।
तो फिर पैसा बढ़ना अपने आप मार्केट में स्टार्ट होगा। पैसा कमाने की जरूरत नहीं है मार्केट में, कमाने की कोशिश मत करो, अंडरस्टैंडिंग, आपको मार्केट अंडरस्टैंड करने पे फोकस करना। एक बार वो समझ में आ जाएगा तो फिर तो मार्केट मल्टीप्लिकेशन का गेम है, आप अपने आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। वही चीज निफ्टी के लिए रेंज दिया था, वहां पे ही मार्केट खुल रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन मार्केट में हाई ब्रेक नहीं हुआ तो नियर अबाउट वही रेंज में मार्केट रहा था। वैसे HDFC बैंक का किया था, TCS का और रिलायंस में भी कर रहे थे। तो ये प्रोसेस हमने किया था, एक दिन पहले हमने वो मार्केट में लेवल भी दिया था कि क्या मार्केट में काम करना है, तो वो चीज हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए हमने, तो आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने जो ट्रेड किया था, अभी जो कल मैंने ट्रेड लिया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या हमने किया था, देखो। तो मैंने ऑप्शन में स्पेशली जो हमने ट्रेड लिया था, तो आज सुबह सुबह क्या किया कि जो कल ट्रेड बना था 17,500 का जो कॉल हमने 85-90 के बीच में खरीदा था, लगभग 20-25 रुपए का रिस्क था, वैसे 38,000 का जो पुट कॉल था सपोज दैट बैंक निफ्टी का 330-390 के बीच में खरीदने के लिए बोला था, 333 समथिंग का कुछ लो किया था कल के दिन में, मतलब पूरा आराम से ट्रेड करने को मिले था। और वहां से फिर मार्केट जो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, हमारा टारगेट ये था, लेकिन आज ओपनिंग में ही हमारे टारगेट से भी ऊपर मार्केट ऊपर हो गया, और वहां से लगभग हमें 200 में सपोज यहाँ पे बुक करने को, मतलब 100 पॉइंट से, मतलब 100% से भी ज्यादा रिटर्न। अगर आप 90 पे भी खरीदेंगे तो भी, 180 पे निकलेंगे तो भी 100% रिटर्न आएगा, उससे ज्यादा 200 में हमने प्रॉफिट बुक किया, और यहाँ पे भी हमने 700 को प्रॉफिट बुक करने को। उसके बाद 800-850 उसमें हुआ है, लेकिन वो सेम डे का 11 तारीख का एक्सपायरी था, आज एक्सपायरी डे था मार्केट में, वो टाइम डिके उसमें बहुत रहता है। अगर मार्केट में बैंक निफ्टी में सपोज हाई ब्रेक नहीं होता तो फिर ये कॉल आपका गिरना स्टार्ट होता, और इन द मनी था इसलिए थोड़ा कम गिरा है, और ये प्रोसेस रहता। तो हमें वो चीज अप्रोच कैसे करना, वो चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड होता है। तो मार्केट ओपनिंग में हमने वहां पे प्रॉफिट बुक किया और वेट कर रहे थे मार्केट अगर पुल बैक प्रॉपरली करेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज उस दिन हमने अभी कोई नया ट्रेड नहीं लिया, कल वापस नया ट्रेड लेंगे ऑप्शन के लिए सपोज दैट। तो ये अप्रोच हमें फॉलो करना होता है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं तो कल के लिए मुझे ऑप्शन में कौन सा कॉल पुट में काम करना है और कब करना है, क्या रेंज मार्केट का रहेगा, वो चीज हमें पहले फॉलो करना, पता करना है। तो उसके लिए पहले बहुत सिंपल सा है, अगर सपोज दैट मैं निफ्टी में काम करना चाहता हूँ, निफ्टी का मैंने निफ्टी फ्यूचर का यहाँ पे लिया हुआ है, फ्यूचर इंडेक्स लिया हुआ है अगस्त सीरीज का, तो देखो आज का 11 तारीख का डेट ले लिया, कल 12 तारीख को मार्केट में क्या होगा वो चीज मुझे निकालना था। कैलकुलेट बटन में क्लिक करके मेरे सामने लेवल आया हुआ है कि अगर ये बाइंग रेंज में मार्केट आता है तो वापिस बाय करना है, जब तक मार्केट ये रेंज 529 के नीचे मार्केट जाता नहीं है तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा। तो ये अप्रोच है, मार्केट जो यहाँ पे ये पुल बैक चला है, शायद थोड़ा ओल्ड पुल बैक यहाँ पे मार्केट एक्सटेंड कर सकता है, तो जो भी मार्केट है तो मैक्सिमम ये रेंज में मार्केट आ जाए तो आराम से बाइंग करना कोशिश करो, वहां पे मार्केट में अपना बाइंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 529 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो ही मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। अभी इसका यूज हमें ऑप्शन के लिए कैसे करना है, अभी 11 अगस्त का तो एक्सपायरी आज खत्म हो गया, तो 18 का जो नेक्स्ट थर्सडे का जो एक्सपायरी वो कल काम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सा रीजन है यहाँ पे, उसके लिए क्या करना है, तो देखो जब मार्केट ये रेंज में आएगा 600 के नियर अबाउट, 650 के बीच में आएगा मार्केट, शायद कल ओपनिंग में एक बार नीचे आएगा और बाद में ऊपर जाएगा मार्केट, तो जो रेंज में, ये रेंज में जब भी मार्केट फ्यूचर का वैल्यू चलेगा अगस्त सीरीज का, तो आपको क्या करना है 17,600 का या तो 17,550 का कॉल खरीदना है। ये रेंज में मार्केट आएगा तो कॉल खरीदेंगे 550 का या तो 600 का, और जब तक ये रेंज के नीचे जाता नहीं तब तक कॉल होल्ड करेंगे। वैसे ही सपोज अगर ओपनिंग में इतना जोर से मार्केट गिर गया और 529 के नीचे मार्केट चला गया, ये रेंज में मार्केट चल रहा है, तो हमें पुट खरीदना है 17,500 के पुट में, कल काम करना है, एक्सपायरी रहेगा करंट सीरीज का जो अपना 18 अगस्त का रहेगा उसमें काम करना है। तो कौन सा कॉल, कौन सा पुट और कब लेना है, जब ये रेंज में आएगा तो खरीदो, मतलब आपको कौन से प्रीमियम पे खरीदना है वो चीज पता चलेगा, और जब मार्केट टारगेट को जाएगा तो अपने आप आपको वहां पे प्रॉफिट भी बुक करने को मिल सकता है। ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए क्या करना है। सेम चीज सपोज आप बैंक निफ्टी के लिए कल का अप्रोच करना चाहते हो, तो कल के लिए बैंक निफ्टी में 11 तारीख का आज का डेट ले लिया, तो 12 तारीख को मार्केट में क्या होगा, तो वो मेरे पास है 38,766 से लेके 38,852, इसके बीच में अगर मार्केट आता है तो खरीदारी होगी, वहां पे बाइंग आएगा। तो ये बाइंग जो ने देखो आज भी मार्केट ने 831 समथिंग कुछ लो करके वहां पे मार्केट ऊपर गया हुआ है, तो कल के लिए भी यही मार्केट का बाइंग रेंज रहेगा। यहाँ पे मार्केट आएगा तो बाय करना है,
अगर यहाँ पे मार्केट आया तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसी का मतलब ये बाइंग जोन में मार्केट चलता है। तो आपको कॉल बाय करना है, और कॉल आप कौन सा बाय करेंगे, तो 30,800 का जो कॉल रहेगा वो कॉल को परचेस करेंगे, वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये रेंज में आता है तो 800 के कॉल को आपको खरीदना है, या तो मार्केट अगर थोड़ा ऊपर भी 850 के नियर अबाउट है तो आप 30,900 के कॉल को खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। वैसे अगर मार्केट सपोज 30,669 के नीचे फिसलता है तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। तो जब तक ये रेंज में मार्केट आपको चल रहा है तो आपको क्या करना है, तो पुट खरीदने की कोशिश करना है। और हम पुट करेंगे खरीदेंगे 38,600 का पुट खरीदेंगे, या तो 30,700 का पुट खरीदेंगे, दोनों में से कोई भी एक अच्छा चलेगा। आपको जो प्रीमियम आपको कम लग रहा है, सूट हो रहा है, वो ले सकते हो। ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, तो अगर कॉल की हम बात करेंगे तो 38,900 की कॉल में काम करो, और पुट के लिए 38,700 के पुट में काम करो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए काम करने के लिए। और उस हिसाब से मार्केट में कल का अप्रोच रखना है। तो आज जो हमने मार्केट में काम किया था उसमें तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ यहाँ पे मार्केट में, और जो ऑप्शन में हमने ट्रेड किया उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने बढ़िया, जो हमने ट्रेड कल के लिए कैरी किया था और उसमें सुबह सुबह बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें बुक करने को मिला, और इस सबसे हमने मार्केट में काम किया था। आज जो हमने प्रॉफिट बुक किया था सब, तो 51,000 समथिंग कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक भी हुआ था। तो जो भी कॉल पुट आप ले सकते हो, कोई भी कॉल हो, मेन चीज क्या है मार्केट में कि आपको कॉल में काम करना है कि पुट में काम करना है, वो चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी रहता है। अगर वो चीज समझ में आ जाएगा तो मार्केट में ऑप्शन में पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ क्या है कि कब लेना वो चीज है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं और बाद में मार्केट फिसलता है, वेट करते, फिर हम बोलते हैं कि थोड़ा रुक के ट्रेड लेते तो अच्छा रहता। पर वही चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मार्केट में हमारा ये सिस्टम जो है वो बहुत हेल्प करेगा आपको, कि डिसीजन मेकिंग जो आपको मार्केट में पैसा तभी आएगा कि आप डिसिप्लिन से मार्केट में डिसीजन ले सकते हो। विदाउट डिसीजन, विदाउट डिसिप्लिन कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है। डिसीजन और डिसिप्लिन, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है कि आपको कन्विक्शन आना चाहिए डिसीजन लेने में, और तब वो चीज जो करना है तो वो डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। ये दोनों चीज अगर आप कर सकते हो तो मार्केट में पैसा बनेगा, और वही चीज हमें मार्केट में काम करना है। तो ऑप्शन में अगर काम करना है तो इस हिसाब मार्केट में काम करो, बढ़िया तरीके से मार्केट में हो सकता है। और अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हमारा ट्रेड चल रहा है, सपोज दैट जो कल से 10 तारीख को मैंने जो ट्रेड बनाया था, ये रेंज में हमने खरीदा था, और वहां से मार्केट अभी भी ऊपर है, यहाँ पे कुछ हाफ प्रॉफिट बुक किया हुआ है, और अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए पोजिशन हमने कैरी करके रखा हुआ है। तो ये कंटिन्यू करेंगे, फ्यूचर में जब हम काम करते हैं तो वहां पे हमारे पास टाइम रहता है। एक्सपायरी नियर अभी 25 अगस्त का है, तो आप 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन का जो भी रैली आ रहा है मार्केट में वो रैली कवर कर सकते हो। तो बढ़िया मार्केट में अभी मूवमेंट चल रहा है, तो इस हिसाब से मार्केट में एडवांटेज मार्केट का उठाना है। और मार्केट बीच में नीचे भी आएगा तो जिनको नीचे आएगा तो वापस खरीदना का भी, वो रेंज मैंने आपको शेयर किया हुआ है, वो रेंज यूज करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है और शेयर करना है, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।